अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब साथियों। यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप कर पूरा देखिए। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो सबसे पहली दोस्तों जो खबर आ रही है बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों, बता 30 ईयर एगो इराक इन्वेंटेड कुवैत। साथियों आपको पता होगा 30 साल पहले कुवैत और इराक में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हुई थी जिनमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, बम्बार्डिंग हुई थी, मतलब हर तरह से दोस्तों दोनों देशों का काफ़ी नुकसान हुआ था। इराक में जब सद्दाम हुसैन दोस्तों वहाँ के जब प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब वहाँ के राजा थे, उस दौरान ही वहाँ पर ये लड़ाई हुआ था 2 अगस्त 1990 को। लड़ाई का दोस्तों मुख्य कारण था ऑयल कंपनी, एक वहाँ पर एक ऑयल कंपनी थी जिसके कारण लड़ाई हुआ था। तो कुवैत दोस्तों इराक से नहीं लड़ पा रही थी तो दोस्तों उन्होंने यूएस से मदद ली थी, उसके बाद इराक को घुटने टेकने पड़े थे। अगली खबर साथियों आ रही, DGCA इन वॉन्टेड ऑडबैंड फ्लैट ऑपरेट नॉर्मली एट कुवैत एयरपोर्ट। दोस्तों फर्स्ट डे रिज्यूमिंग, दोस्तों आपको बता दूं वहाँ पे कुवैत से दोस्तों वहाँ पे जो भी जितने इंटरनेशनल फ्लाइट थे दोस्तों सभी को दोस्तों नॉर्मली जो टाइम था उसी टाइम पे सभी फ्लाइट को वहाँ पे उड़ाया गया। दोस्तों जो टाइमिंग दिया गया था वही टाइमिंग से उड़ाया गया। 1 अगस्त से दोस्तों सारी फ्लाइट स्टार्ट हुई। हाँ, उसी देश से कोई फ्लाइट उड़ान भरी दोस्तों, जिन देशों के लिए लिस्ट निकाला गया, जो 31 देशों के लिए लिस्ट निकाला गया था जो नहीं उड़ाएगा उस देश के लिए फ्लाइट नहीं चलाई गई। अगली खबर साथियों आ रही, एक्सपैट कैन इंटर कुवैत आफ्टर स्पेंडिंग 14 डेज इन नॉन लिस्टेड बैंडेड कंट्री। साथियों मैं आपको बता दूं जो भी देश के कंट्री के लोगों पे जो बैंड लगा हुआ है, जो 31 देश है दोस्तों, वो लोग भी वहाँ पे कुवैत वापस आ सकते हैं, पर वही लोग को आने की अनुमति है जैसे कि नर्स, डॉक्टर वगैरह, जो बहुत ही जरूरी चीज़ें हैं, पर उससे पहले दोस्तों वहाँ पे आपको PCR सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। अगली खबर साथियों जो आ रही है, PCR शुड नॉट बी एक्सीड 72 आवर। मतलब दोस्तों यदि आप PCR सर्टिफिकेट बनाते हैं कुवैत जाने के लिए तो साथियों आपको एक बात का ध्यान देना है, PCR जो सर्टिफिकेट जब आपको दिया जाएगा आपको मेडिकल के द्वारा, तो आपको 72 घंटे के अंदर का वहाँ पे कुवैत में आपको शो करना पड़ेगा। यदि दोस्तों रिपोर्ट लिए, मेडिकल को रिपोर्ट दी, आपको यदि 73 या 74 घंटा हो जाता है तो फिर वो जो सर्टिफिकेट होगा PCR सर्टिफिकेट वो अमान्य होगा। मतलब दोस्तों कुवैत में यदि आप वहाँ जाते हो तो ये माना नहीं जाएगा, तो 72 घंटे से पहले आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, 72 घंटे से पहले आपको कुवैत पहुँचना पड़ेगा। अगली खबर साथियों जो आ रही है, 12 एबोंडेंट कार लिफ्टेड 32 वॉलेटिंग शॉप सर्टन मार्क भी है। दोस्तों आपको बता दूं वहाँ पे 12 कार को जो वहाँ पे जो गैर कानूनी कार था जिसपे दोस्तों वहाँ 12 कार को वहाँ पे उठा लिया गया है और वहाँ पे 33 वॉलेटिंग शॉप, मतलब 33 दुकानों को वहाँ पे सीज किया गया, मतलब 33 दुकानों को बंद कर दिया गया और दुकान के मालिकों को वार्निंग दिया गया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और ग्लव्स पहनना भी अनिवार्य किया गया है। अगली खबर साथियों जो कुवैत से आ रही है, वुमेन किक ऑफ फ्रॉम फ्लाइट फ्रॉम रिफ्यूजिंग वियर फेस मास्क। दोस्तों एक महिला थी कुवैत में एक महिला थी जो US के लिए फ्लाइट दोस्तों उड़ान भरी थी, तो दोस्तों महिला ने मास्क नहीं पहने के बावजूद जब उनसे वहाँ बोला गया कि आप मास्क पहनिए तो उन्होंने बहस किया वहाँ पे, तो बहस करने के बाद दोस्तों क्या हुआ, महिला को प्लेन से बाहर निकाल दिया गया, उसे ले जाया नहीं किया गया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो दोस्तों यदि आप भी ऐसा कोई गलती करते तो गलती बिल्कुल भी ना करें क्योंकि मास्क पहनना अनिवार्य है। अगली खबर साथियों आ रही, स्ट्रिक्ट चेकिंग ऑफ ट्रांजिट पैसेंजर एट कुवैत एयरपोर्ट। कुवैत एयरपोर्ट में दोस्तों बहुत ही मतलब हैवी तरह से वहाँ पे चेकिंग हो रहा है, जो भी लोग जिस देश से वहाँ पे आ रहे हैं या फिर कुवैत से यदि आप एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको बहुत ही हैवी चेकिंग वहाँ पे किया जा रहा है, स्ट्रिक्ट चेकिंग। तो दोस्तों यदि आप कुवैत जाते हैं तो फेस मास्क, सैनिटाइजर और हाथ में ग्लव्स ये पहन के जरूर जाए। यदि आप ये सब चीज़ पहन के नहीं जाते तो आपको किसी कीमत पे आपको एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मिलेगी। अगली खबर साथियों और, डू नॉट पार्क योर व्हीकल्स इन फ्रंट ऑफ ट्रांसफार्मर एंड केबल लाइंस। दोस्तों किसी भी तरह का गाड़ी, चाहे वो 2-व्हीलर हो चाहे वो 4-व्हीलर हो, आपको किसी भी हालत में ट्रांसफार्मर के सामने या नीचे आपको पार्क नहीं करना है। और केबल जो लाइन होता है, जो जहाँ पे वायर तार गई है ऊपर से यदि जा रही है तो वहाँ के उसके भी नीचे आपको वहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करना है। कि दोस्तों सख्त आदेश है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिशियन का एंड वाटर इंजीनियरिंग का, ये सख्त आदेश दिया गया कि वैसी गाड़ी वहाँ पे खड़ा ना करें। अगली खबर साथियों आ रही है, DGCA अबॉन्डेंट फ्लाइट ऑपरेट नॉर्मली एट कुवैत एयरपोर्ट। तो दोस्तों कुवैत एयरपोर्ट में जो फ्लाइट जो नॉर्मली जो उड़ने का टाइम था वो उसी टाइम पे चलाया जा रहा है, उसे टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया, जो टाइमिंग पैसेंजर को दिया गया था उसी टाइमिंग में सारी फ्लाइट उड़ान भर रही है और सही टाइम पे जहाँ पे पहुँचना है वो सही टाइम पे पहुँचा दीजिए रही है। ये DGCA ने ये ऑफिशियल ट्वीट करके बताया है ये बात। तो चलिए साथियों अगली खबर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगली जो खबर आ रही है, इजिप्ट एयरवे अनाउंस द कैंसिलेशन ऑफ ऑल फ्लाइट टू कुवैत। दोस्तों अचानक इजिप्ट का जो एयरवेज है, अचानक दोस्तों वो जितने भी फ्लाइट कुवैत के लिए उड़ान भरनी थी सभी फ्लाइट को अचानक उन्होंने
कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों कैंसिल करने का रीज़न बस एक ही है, कोविड-19। तो दोस्तों अचानक जितनी फ्लाइट थे इजिप्ट एयरवेज ने सभी को कैंसिल कर दिया। ये बात ट्वीट करके ये बताया गया था, शेड्यूल फ्लाइट टू कुवैत फ्रॉम टुडे अंटिल अनदर नोटिस, मतलब अगले नोटिस के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। अगली खबर साथियों जो आ रही है कुवैत से, प्राइवेट हॉस्पिटल यूनियन अपील टू एक्सक्लूड देयर मेडिकल स्टाफ फ्रॉम द डिसीजन टू प्रिवेंट एंट्री इनटू द कंट्री। तो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है कुवैत में, सभी ने दोस्तों ये अपील किया है गवर्नमेंट से, कुवैत गवर्नमेंट से, कि जब किसी कंट्री से यदि हम लोग नर्स वगैरह या डॉक्टर वगैरह आता है, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में तभी रखेंगे जब गवर्नमेंट, कुवैत गवर्नमेंट लिखित में कोई चीज़ देगा, वरना मैं वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी वो क्लियर बोल देंगे वरना हम लोग नहीं रखेंगे। तो ये कुछ खबर थी दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। तो मिलते साथ ही उसी तरह के नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते साथ ही अगले वीडियो।